कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही दाल रोटी दे आया। हाँ जी। भूषण मिला? हाँ जी। सुख शांति है? हाँ जी। उसने कुछ कराया पिताजी को कश्मीर में ढूंढवाने के वास्ते? कह रहे थे बहुत मुश्किल है। तेरे को रोटी दे दो। रोशन के साथ खाऊंगा। आया नहीं? नहीं। ये रोशन तो बस। और क्या कह रहा था भूषण? क्लेम भरने वास्ते कह रहे थे। तूने उससे कहा नहीं पिताजी आके करा लेने हैं? मकान उन्हीं के नाम करा गए थे मामा जी। कहा था लेकिन माता जी, मेरे को बड़ा गुस्सा आया। क्यों? भुजाई जी के माता जी कहने लगे कि तुम लोग कब तक धोखे में रहने हो कि पिताजी आ जाने हैं। तू उनसे ज्यादा बात करता ही क्यों है? दाल रोटी रख के आ जाया कर। आप मेरे को भेजते ही क्यों हो मां? मैं उनका मुफ्त का नौकर लगाऊं जो रोज दाल रोटी देकर आऊं? आप उनके वास्ते बनाते ही क्यों हो दाल रोटी? इसलिए कि मैंने कहा है मेरी ओर से सबको दाल रोटी मिलेगी। आपने तो बहुत कुछ कहा है माता जी। उन्होंने कभी सुना है? जो जी में आए कहते हैं हमारे खिलाफ और प्राजी चुपचाप सुनते रहते हैं। दफ्तर में तो बनते हैं बहुत रोबदा वाले अफसर और घर में बनते हैं चूहा। घर में शांति बनाए रखने के वास्ते किसी ने तो चुप रहना ही हुआ। हमसे छिपो ना वो प्यारे साजनिया, हमसे छिपो ना छिपो ना छिपो ना, हमसे छिपो ना वो प्यारी साजनिया। तू ये कमीज अभी तो वापस नहीं करके आया? कमीज मिली नहीं तो कमीज लौटा था किस तरह? देखें कब तक छिपी रहती है। हमसे छिपो ना वो प्यारी साजनिया। रोज रोज धक्के खाने से तो अच्छा है तू उस दुर्बान को दिया। वाह जी वाह, ये कमीज ही तो बहाना है करोड़पति की कन्या से मिलने का। माता जी अब डिनर कराओ फटाफट। दाल रोटी है यहाँ तो? माता जी रब के यहाँ देर है अंधेर नहीं। अब तो जल्द ही रोजाना जोरदार डिनर होना है। मिलने तो करोड़पति कन्या। एक प्राजी की लाखों वाली ने कर छोड़ा निहाल, अब तेरी करोड़ों वाली ने दिखाने कमाल। मेरी तो दाल रोटी भली। करोड़ों वाली के सासू जी होकर दाल रोटी खाते अच्छे लगने हो आप? करोड़ करोड़ करोड़, कुछ और सोचता भी है? तू क्यों बकवास करता रहता रोशन? तेरे को पता नहीं है माता जी का मन कितना उखड़ा हुआ है? मास्टर जी ने पैसे वालों का पुत्र होते हुए भी पैसों को कभी कुछ नहीं लगाया। उनकी शादी तो तब करोड़पति की बेटी से हो रही थी, उन्होंने नहीं की। और मास्टर जी की बेटी को सोते जागते बस करोड़पति बनने के ही सपने दिखते हैं। अकेला मैं ही नहीं देख रहा हूँ, सभी देख रहे हैं। पैसा और ताकत दो ही तो चीजें बची हैं। पैसे से ताकत बना लो या ताकत से पैसा। इसी करके पटरियों पर माल बेचने वाले अपने बेघर भाइयों से पैसे वसूल करता है। मैं तो समझती थी तू पैराशूट सिल्क के धंधे में है। आज कुछ बंदे आए, उन्होंने बताया तू तह बाजारी की दलाली करता है। माता जी वो इस तरह है कि जिन हिंदुस्तानियों ने हम रेफ्यूजियों को अपने दुकानों के बाहर पटरियों पर बैठने दिया तो उन्हें इस करके खोंदा चढ़ने लगी कि अगले तो सस्ता बेचकर हमारा ही धंधा चौपट करते हैं। अब प्रेम मोहब्बत कायम करने के वास्ते मैंने सिर्फ एक आइडिया लगाया कि दुकानदारों को पटरियों का किराया दिलाना शुरू कर दिया। वाह, बड़ा चंगा किया। लगता है मास्टर जी इसी करके नहीं लौट रहे।
बंटवारे के साथ मुल्क की मासूमियत भी खत्म हो चली है। रोशन, कल से ना तो ये करोड़पति की घर में कमीज दिखनी चाहिए, ना ही किसी करोड़पति की बेटी का घर में सिख होना चाहिए। सुना? ना घर पर मिली ना दफ्तर में, यार अब क्लब में तो आ जाए। ओ रोशन, सॉरी सर। I hope everything's all right, sir. Thank you. Hello, Mr. Bright Red. Hello, Bright Red. JB sir, Bright Red किस तरह? Hey, Roshan, यानी Bright. लाल यानी Red. Oh, JB sir, तब तो फिर पूरा नाम ही अंग्रेजी में लीजिए. Lala, Roshan Lal. Bring Bright Red. Bright boy. सुनो, करोड़पति कन्या फ्रंट पर कोई प्रोग्रेस? जी, जीरो, sir. हमने तुमसे पहले ही कहा था कि यहाँ दाल गलनी जरा मुश्किल है। जेबी साहब, हमें बिना गली खाने से कब परहेज है? तो खाओ। क्या वो आ रही है? बड़ी उम्र है इसकी। जेबी साहब, सर मैं पहले उनसे प्लीज एक्सक्यूज मी। थैंक यू। गुड इवनिंग मिस निविता जी। गुड इवनिंग। मेरे बाबा आए क्या? नहीं जी, उन्होंने तो बोला था क्लब जा रहा हूँ, शायद रोशन आ गए होंगे। आप बैठिए, मैं जरा फोन पर पूछता हूँ। जी सेन गुप्ता साहब है वहां पर? जी मैं उनकी बेटी निविता जी की तरफ से बोल रहा हूँ। ओह अच्छा, थैंक यू। क्या बोलते हैं? कहते हैं कि सर दुर्गा शंकर के साथ चले गए। ओह जानती हूँ कहाँ गए होंगे। आप नंबर बताओ, मैं बात करा दूँ। नहीं, वहां फोन करने से कोई फायदा नहीं है। आपको कमीज मिल गई? हाँ जी, और मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ जी कि ना आपकी कमीज लौटा सका और ना आपका शुक्रिया अदा कर सका। मैं कई बार ही आया, फोन पर आपसे बात करने की कोशिश भी की, ना आपसे मुलाकात करने दी गई और ना फोन पर बात। आई एम सो सॉरी, मैं सेक्रेटरी और दरवान को आपका नाम बताना भूल गई। बाबा की इंस्ट्रक्शंस है कि जिसका नाम मैंने या उन्होंने क्लियर ना किया हो उनसे मुलाकात या बात ना कराएं। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ जी, मुझे मालूम होना चाहिए था कि बड़े लोगों के यहाँ ऐसा इंतजाम होना ही है। असल में जब से जी कुछ नहीं, मैं आज जरूर कह दूंगी, आपको जब भी सुविधा हो आ जाए, कोई नहीं रोकेगा। नमस्कार। नमस्कार जी। ओ मैंने तो कल ही आ जाना है। रोशन। विद प्लेजर सर। कहिए जनाब, दाल के ताजा हाल क्या है? गल गई, परोसी जा चुकी है, बस अब तो अपनी नाप के काले सूप का सवाल है। मिल जाए तो खाने वास्ते बैठूं दानी टेबल पर। भाई मेरा तो तुम्हें आएगा नहीं, और पापा का भी तुम्हें नहीं बल्कि सब्बीर को फिट होगा। पर तुम वहां सूट पहन कर जाते क्यों? धोती कुर्ते में जाओ, उसका इंतजाम करा देंगे। धोती कुर्ता तो पहन लूंगा, लेकिन टैगोर, टैगोर को किस तरह समझूं? तुम्हें अपने बंगाली दोस्त से इतनी गीतांजलि रटवाई, फिर भी समझ नहीं आई? हाँ, अभी तक कुल इतना समझा हूँ। प्रेमेर हाथे धोरा देबु, ताय रोशी बोशे। प्रेम के हाथ सब कुछ लुटा दूं, बस इसीलिए यहाँ बैठा हूँ, बस इतनी। चलो, इतना समझे तो बहुत समझे। अरे क्यों? धोती कुर्ता पहनो और चल दो लाम पर। धोती कुर्ता यही बुनिया। लाला रोशन लाल, कैसा लगा तुम्हारा बेडरूम? और चंगा है जी, पसंद आया। छुपोना हमसे छुपोना ओ प्यारी सजनिया, हमसे छुपोना छुपोना। रोशन पुत्र, बड़े सही जा रहे हो। लाला रोशन लाल जी। निविदिता जी, क्षमा करें मिस्टर रोशन लाल,
मैं बाबा को कांटेक्ट करने में रह गई थी। चल पड़े हैं, आते ही होंगे। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठे ना। पहले आप बैठिए जी। अच्छा आप क्या लेंगे, चाय? चाय की ऐसी आदत नहीं है। आप पंजाबी लोग तो वो पीते हैं, क्या कहते हैं, लस्सी? जी इस समय कुछ नहीं। और बाय द वे मैं आपको बता दूं कि पंजाबी चीजों से मुझे इतना लगाव नहीं है। ओ, ड्रिंक्स? जी मैं छूता तक नहीं। बार में काम करते हैं और नहीं पीते? वंडरफुल। बार में काम करता हूं इसी करके नहीं पीता। कुछ तो लीजिए, थोड़ी मिठाई। बंगाली मिठाई मुझे बहुत पसंद है। अच्छा तो वही मंगवाती हूँ। अभी नहीं जी, बाद में, अभी तो मैं नौकरी वास्ते आया हूँ। कोई एप्लीकेशन लाए हैं? हाँ जी जी। ठीक है, बाबा के आते ही मैं आपकी बात करा दूंगी। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी जी। इसमें मेहरबानी की क्या बात है। सुनिए जी, पंजाबियों में भी इस तरह धोती कुर्ता पहना जाता है? जी नहीं, मैं ही पहनने लग पड़ा टैगोर के असर में। आप टैगोर के बहुत बड़े एडमायरर हैं? जी हाँ, मेरे लिए दुनिया में गीता की टक्कर की कुल एक ही किताब है, गीता, मेरा मतलब है गीतांजलि। गीतांजलि? वही जी, और मेरा तलफ्फुज आपको अजीब लगना होना है। आपने गीतांजलि ओरिजिनल में पढ़ी है या ट्रांसलेशन में? जी ट्रांसलेशन में तो सारा मजा ही खत्म हो जाता है। मैं पूछता हूँ जी, कोई है जो टैगोर को ट्रांसलेट कर सके, और कोई जबान है जिसमें वो बात पैदा हो सके बंगाली जैसी? बंगाली नहीं, बांग्ला कहते हैं। वही मतबल है मेरा जी। टैगोर के उपन्यास पढ़े हैं आपने? पढ़े हैं। कौन कौन से? सब। आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा? सारी अच्छी लगे, किसी में कोई खासियत है तो किसी में कोई। फिर भी जी बहुत मुश्किल है चुनाव करना। मुझे नष्टनीर बहुत पसंद है। मेरे फादर को भी बहुत पसंद है। आपके फादर क्या करते हैं? जो आप कवि और लेखक हैं, इकबाल के साथ ही रहे हैं, इनकलाबियों और आर्य समाजों के साथ बहुत काम किया है। कभी मिलना चाहूंगी उनसे। जी फिलहाल तो वो लापता है। अरे कैसे? लाहौर में वो हमारे साथ कैंप में आने की बजाय हमारे ताया जी को देखने चले गए, फिर नहीं लौटे। और आप देखो जी, इन ताया जी ने बड़ी बेईमानी करके पुश्तैनी जायदाद से हमारा हिस्सा हड़प कर लिया। जायदाद बहुत बड़ी थी? हमारे दादाजी लाहौर के सबसे बड़े व्यापारियों में से थे। आपके पिताजी नहीं मिले तो आपने ढूंढा होगा? बहुत, वहां भी ढूंढा और यहां आकर भी ढूंढ रहे हैं। वहां आखिर में उनका चश्मा मिला, उनकी घड़ी मिली और खून के चंद धब्बे। मेरे माता जी के अलावा सबने ही मान लिया कि वो नहीं रहे। अब यहां सुराग मिलने पर उन्हें ढूंढते ढूंढते श्रीनगर के पास तक पहुंच गए। वहां एक पहाड़ी चोटी पर उनकी चप्पलें मिली, उनकी शॉल मिली, लेकिन वो नहीं। लोगों का तो यही कहना है कि शायद वो यहां से फिसल कर नदी में गिर गए। फिर आपने आगे पूछताछ नहीं की? जी, लड़ाई छिड़ जाने से हमें आगे जाने ही नहीं दिया, और जाने दिया भी जाता तो हम कब तक भटकते। दिहाड़ी करने वाले लोग हैं, दिन भर मेहनत करते हैं तो शाम को चूल्हा जलता है। आप अगर सारा डिटेल मुझे दे दें तो मैं कश्मीर से इंफॉर्मेशन मंगाने की कोशिश कर सकती हूँ। आर्मी में हमारे काफी कॉन्टेक्ट्स हैं, डिफेंस अप्लाई का काम है ना, इसलिए। पिताजी की तस्वीर और दूसरे सारे डिटेल्स आपको कड़ी ला के दे दूंगा निवेदिता जी। और आपके जॉब के लिए भी मैं आज ही कुछ कर दूंगी। बाबा पता नहीं कहाँ रह गए, मैं फिर से फोन करती हूँ। हमसे छुपो ना प्यारे सजनिया, हमसे छुपो ना, मेरी कोठी, मेरा प्यारा रे बाथरूम। रोशन रोशन
लाला रोशन लाल, लाला रोशन लाल। लाला रोशन लाल जी, कैसा लगा तुम्हारा बाथरूम? और चंगा है जी सर, तो फिर कर लो इस्तेमाल, अपना ही है। मेरे बेडरूम में क्यों तुम किसी को बिठाती हो? बैठक में आके और गेस्ट आने वाले थे, तभी मैंने सोचा कि इसको यहाँ बुलाने की दरकार क्या थी? Where he is now, I can't see him. अभी अभी तो यही थे, पता नहीं। अगर वो तुम्हें मिले तो दफ्तर भेजना, नौकरी दफ्तर में मिलती है, घर में नहीं, समझे? अरे कौन है अंदर? अरे कौन है, निकलो जल्दी, अरे जल्दी निकलो, तारी फटाफट। अरे who the hell is in there? मिस्टर रोशन मैम, कैसे अंदर घुस गया? हिम्मत कैसे हुई? ये नौकरी मांगने आया कि मेरे घर पे कब्जा करने आया? I'm sorry sir. Sorry कहकर तुमने कोई ऐसा नहीं किया, सॉरी तुमको कहना चाहिए, बिकॉज दिस इज माई पर्सनल बाथरूम। सर असल में मेरे को चक्कर सा आ गया। चक्कर सा आ गया तो दवाखाना जाते? अब मैं वहीं जा रहा हूँ। अच्छा नमस्ते रीता जी। अरे आप ऐसे कैसे जाएंगे, आप बैठिए कुछ खाइए। मेरे को माफ करें, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अच्छा आप कल दफ्तर आना, मैं आपकी नौकरी का जरूर कुछ कर दूंगी। बहुत मेहरबानी होगी, और मेरी तरफ से मिस्टर सिंह गुप्ता से माफी मांगिए ना। अरे सुनिए, आप कल आएंगे तो पिताजी की तस्वीर जरूर ले आना। बहुत बहुत धन्यवाद रीता जी। आपकी बाल्टी भर गई। आप तो पहले से भी ज्यादा खामोश रहने लग पड़े हो। पिताजी के नाम मिलने से मैं भीतर से टूट गया हूँ। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन भीतर से टूट कर भी बाहर से साबुत रहना पड़ता है। बहुत मुश्किल है शुरू शुरू में लगता है, लेकिन धीरे धीरे आप ही मेरी तरह सीख जाओगे। अब तक तो उम्मीद रहती थी कि पिताजी लौट आएंगे, लेकिन अब तो ऐसा लगता है तो वो नहीं रहे। मेरे चाय जी बाऊ जी मेरी आंखों के सामने मारे गए। मैं आप ही बच गई तो इसी करके कि रेल के डब्बे से कूद कर दौड़ पड़ी, लाशों में उलझ कर गिर गई। वो मेरे को भी मारा समझ कर छोड़ गए। आप पर तो बहुत बुरी बीती, पहले कभी बताया नहीं। बताने से कुछ नहीं होता, सिर्फ लोगों को मजबूरी का फायदा उठाने की सोचती है। सब बंदे इतने बुरे तो नहीं होते। आप तो दुर्गा शंकर को भी बहुत शरीफ बता रहे थे ना। क्यों क्या हुआ? उनकी शराफत ये समझती है कि मैं 100-125 की नौकरी के लिए बिक सकती हूँ। पब्लिक जी आप मेरी बात क्यों नहीं मानते, एक बार मेरे साथ जेबी के पास चलो तो। नहीं मिलना मैंने किसी जेबी से, वो कोई कम लफंगा है। वो बंदा दिल का बुरा नहीं है। तो मेरे को उसके दिल से क्या लेना है? तो मैं भी कह रहा हूँ आपको तो नौकरी करनी है। वो क्यों देने लग पड़ा नौकरी, उस दिन कह तो गया था कि ये काम जनानियों के बस का नहीं है। आपको टाइप शाइप का काम देने को कह देंगे, मेरी बात वो कभी कभी मान लेता है। पंडित कन्हैया आता है, आकर धूम मचाता है। आप रोज रोज मेरी बाल्टी क्यों उठाते हो? गगरी होती तो फोड़ता, बाल्टी है तो उठाता है। तूने बाद नहीं आना अपनी बकवास से, ये नहीं पूछा कि किस तरह की खातिर हुई करोड़पति के यहाँ? देखती ही झपट पड़ा। मेरे को तो कुछ नहीं पूछना, तेरे को मेरे से कुछ नहीं पूछना, बट मेरे को तेरे को बताना है। तेरे भाई रोशन लाल ने करोड़पति की बिटिया को इतना निहाल किया कि बाप उसके ने फौरन बाहर किया। बाहर किया होगा, कोठी से तो बाहर ही करना था। कोठी में थोड़ी है नौकरी, नौकरी तो होटल में है, और कल से करना है मैनेजरी किंगस्टन की। ta
लाजू जी, आप तो गणित में सचमुच बहुत कमजोर हैं। मजाक ये है मास्टर जी कि अब मैं आप मास्टरनी लग गई हूं। होता था नहीं, बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। यही है छोटा सा स्कूल कैंप में। आप आ जाते तो मेरे सवाल हल हो जाते। चल चल रे नौजवान, टाड़न 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 टाड़न। तुझे शर्म नहीं आती इस माहौल में गाते हुए? तुझे मालूम नहीं कि पिताजी को लेकर हम कितने परेशान हैं? गाने का शौक तो तेरे पिताजी को बहुत था। अरे रोशन, तू ये कहां से पहन आया? उस निवेदिता के पिताजी को। माता जी, वो मुंशी जी ने पिताजी से क्या कहा था गावा के बारे में? मुंशी जी बोले, साले गामा मत किया कर छोटे लाट। कहीं गामा पहलवान ने सुन लिया तो उसने ना तो तेरे को साबुत रहने देना है, ना तेरे पेटी के बाजे को। सुनकर पिताजी जरूर हंसे होंगे। उस दिन उनके हंसने का कोटा पूरा हो चुका था। हंसर तो मैं थी। अब तो आप भी नहीं हंसते माता जी, मेरी मेरी बेवकूफी पर भी नहीं। अब तो तेरे माता जी हंसना भूल गए हैं पुत्र, और रोना भी। अब तो हंसना रोना सब कुछ उनके वापस आने पर ही होना है। पिताजी को खोजने की कोशिश कल से मैंने करानी है। जरा मुझे वो फोटो दे दो। माता जी, आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि आपका ये लायक पुत्र करोड़पति के होटल में बहाल हो गया, और करोड़पति की बेटी ने कश्मीर में पिताजी का पता करवाने को कहा है। करा देगी तो मैंने सबसे उसके वास्ते दुआएं मांगनी है। हाँ माता जी, आप दुआ मांगना कि उसे रोशनी मिले, रोशन मिले। मैंने तुम्हारे कहने पर बड़े अफसरों नेता यहाँ इकट्ठा किए ताकि उनसे मैं अपने बेटे और वारिस को मिलवाऊं, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ बैठा क्लब में शराब पीता रहा। मैं इस वक्त क्लब से नहीं आ रहा हूँ पापा। अपनी अम्मा की मौजूदगी में मुझसे ये क्यों कहवाना चाहते हो कि आवारा लड़के क्लब में शराब पीकर कहाँ जाते हैं?